अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं NJV हाई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जहाँ पे अखुवत कराची की फाउंडेशन है। और मेरे साथ मौजूद हैं तला हामिद साहब, जो कि अखुवत फाउंडेशन की इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो काइंडली आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं अखुवत के हवाले से। तो तला साहब, आप अपना तारुफ कराएँ। बेसिकली मेरा नाम तला हामिद है और मैं यहाँ पर मार्केटिंग इवेंट लीड्स देखता हूँ, जितनी भी हमारे मार्केटिंग टीम के साथ अपनी। और ये हमारा NJV स्कूल है, जो कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। और अकूवत का इस टाइम पे हेड ऑफिस कराची के अंदर यही है। वैसे अकूवत बेस जो करती है वो लाहौर में करती है। और ये हमारा NJV स्कूल है, जिसके अंदर हमारे पास इस टाइम पे 1400 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और ये सिंध का वाहिद स्कूल है जिसके अंदर हमारे पास लिव इन हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। 135 स्टूडेंट इस टाइम पे लिव इन है हमारे पास। और अकूवत के ट्रांसजेंडर प्रोग्राम भी है हमारा, जिसके अंदर हम ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करते हैं क्लोथ बैंक का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम अपने क्लोथ बैंक कैंप लगवाते हैं। वहाँ से उन एम्प्लॉयज़ या उन स्टूडेंट से वो क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं जो कि वो यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ लेकर आते हैं, तो हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको वॉश करते हैं, उनको आयन करते हैं, उनको दोबारा रीपैक करते हैं। और रीपैक करने के बाद हम डिफरेंट अंडरप्रिविलेज एरियाज़ के अंदर उसको डिस्बर्समेंट उसकी करते हैं। और इस टाइम पर माइक्रो फाइनेंस के अंदर अकूवत को अगर देखा जाए, तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम इस टाइम पे जनवरी के अंदर 100 बिलियन डिस्बर्समेंट कर चुके हैं और उसकी ही सेलिब्रेशन अब हम करने वाले हैं। बेसिकली हम अंडरप्रिविलेज एरियाज़ के अंदर कराची सिंध के अंदर अगर देखा जाए, और कराची में तो हमारी इस टाइम पर कराची के अंदर 11 ब्रांचेज हैं, और सारी की सारी अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर ही हमारी ब्रांचेज हैं। जो हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं वो हमारा स्टार्ट होता है 10,000 से जो, और बिज़नेस लोन हम खाली दे रहे होते हैं, इसके अलावा कोई अभी लोन हम नहीं दे रहे। बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम बात करें, IB हो गया, UIT हो गई, तो उसके अंदर हम उनको स्टूडेंट लोन भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे डायरेक्टर्स और अपर मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा उसके लिए। ज़बरदस्त। तो फ्यूचर क्या है अखुवत का, क्या आगे देखते हैं आने वाले 5 सालों में? बेसिकली हमारा जो मिशन और विजन है वो ये है, पॉवर्टी फ्री पाकिस्तान। बेसिकली हम लोग पॉवर्टी फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। यहाँ पे हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी लोग काम करें वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, किसी से मांगे नहीं। पॉवर्टी फ्री पाकिस्तान हमारा जो मेन मिशन और विजन है। ज़बरदस्त। और ये जो स्कूल है इसके बारे में बताइए, इसकी क्या हिस्ट्री है, कितना पुराना स्कूल है? बेसिकली ये काफ़ी पुराना स्कूल है, ये NJV हायर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। और इसके अंदर ये है कि इसकी हिस्ट्री ये है कि 19 जब इंडिपेंडेंस के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहली असेंबली की थी वो भी NJV स्कूल के अंदर ही की थी। ये ओल्ड असेंबली एरिया भी जो मैंने आपको विज़िट भी करवाया था, हमारे पास वो हॉल भी है, तो इस स्कूल की ये है। सही, बिल्कुल। और बाकी हमने पिक्चर्स में देखा कि किस तरह जो है इसकी क्लासरूम जो है वो इक्विप्ड हुई है टेक्नोलॉजी के साथ, इनकी लाइब्रेरीज़, कंप्यूटर, LED स्क्रीन सारी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम हो रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से स्कूल्स जो है मज़ीद अडॉप्ट होने वाले हैं कराची में? अभी वो बात चल रही है अपर मैनेजमेंट की ही है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सिंध के साथ मिल के काफ़ी अच्छा काम किया जाए एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन किसी भी मुल्क के लिए एक उसका असासा होती है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जिस लाइब्रेरी में हम इस टाइम पे बैठे हुए हैं ये भी NJV स्कूल के अंदर ही है, और इसके अंदर मोर देन 1 लाख बुक इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और NJV स्कूल इस टाइम पे मैंने आपको बताया था 1400 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्टल भी है यार। और हॉस्टल लिव इन हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, जिसमें 135 स्टूडेंट इस टाइम पे हमारे पास एनरोल्ड हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। तो उनको आप खाना भी देते हैं? उनको हम खाना भी देते हैं, उनको सुबह का नाश्ता भी देते हैं, लंच भी देते हैं, तो पूरा प्रॉपर। और वीकेंड पे उनकी एंटरटेनमेंट फ्री बेसिकली, हाँ, इवनिंग के अंदर भी है। और इवन हमने यहाँ पर अपनी इवनिंग क्लासेस भी उनके लिए की हुई हैं, इन हाउस भी हमारे स्टूडेंट इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं, जो जस्ट लाइक हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज में उनको ट्यूशन या कोचिंग कहते हैं, तो वो भी हमने स्कूल के अंदर प्रोवाइड की हुई। क्योंकि बेसिकली हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अंडर प्रिविलेज एरियाज से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो हमारे पास यहाँ गुजारें, क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं उनको हम पॉलिश करें और उनका एनवायरनमेंट जो एक एनवायरनमेंट हेल्थी होता है तो वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो जितना ज़्यादा वो हमारे पास रहेंगे उतनी अच्छी चीज़ें वो सीखते रहेंगे, तो हमने इसके लिए उनको ट्यूशंस भी यहाँ पर जो है इवनिंग क्लासेस के नाम से ट्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो उनकी एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के हवाले से किस तरह से? स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि हमारे पास पूरा प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड है जी, और हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, हमारे ऊपर वॉलीबॉल है, स्पोर्ट्स हैं, हमारे पास इवन जिम भी है जी। जिम के अंदर भी स्टूडेंट्स अलाउड हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करें, कोई भी एक्टिविटीज़ के पैसे नहीं किसी के। एक मैसेज आप देना चाहेंगे ओवरसीज पाकिस्तान इसको जो इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है और सपोर्ट करती है, उनके लिए क्या कहा? मैं उनके लिए सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहूँगा कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, और दूसरी बात ये कहूँगा कि हमें सपोर्ट करते रहें और हम जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आप भी एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को हेल्प करें। ये एजुकेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हर किसी का हक है, ये अकूवत का एक एम है और हम भी ये समझते हैं एज अ पाकिस्तानी, तो हमें इसमें हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।